स्वागत है बच्चों, मैं सुनील कुमार श्रीवास्तव टीवी मेमोरियल विद्या मंदिर से। आज आप लोगों को हम अभ्यास 1.3 का प्रश्न संख्या 1 हम हल करना बताएंगे। इसमें संख्याओं का हम गुणा करते हैं चिन्ह से। पहले हम चिन्हों को जाने, चिन्हों का गुणा देखिए। प्लस और माइनस, प्लस और माइनस का अगर हम गुणा करेंगे तो गुणनफल माइनस आएगा, और माइनस और माइनस का गुणनफल प्लस आता है। माइनस और माइनस का गुणनफल प्लस आता है, और प्लस का गुणनफल प्लस ही आता है। अब पहला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहले संख्या है 2 × −15। अब देखिए, 2 के बगल में कोई चिन्ह नहीं है इसलिए हम धन मानते हैं। अगर किसी संख्या के बाईं तरफ कोई चिन्ह नहीं दिया है तो हम प्लस मानते हैं। तो 2 का चिन्ह प्लस है और 15 का चिन्ह माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा करने पर माइनस आएगा, और 15 × 30। इसी प्रकार हम −225 × 8, तो 8 का चिन्ह प्लस है, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे माइनस आएगा। हम 225 में 8 का गुणा करेंगे, 8 × 40 हासिल 4, 8 × 16 4 × 20 हासिल 2, 8 × 16 = 18। इसी प्रकार तीसरा सवाल है, −17 × −20। माइनस और माइनस का गुणा करेंगे प्लस, प्लस किसी संख्या के पहले लिखा नहीं जाता है, माना जाता है, इसलिए यहाँ प्लस हो गया। अब 17 का गुणा हम 20 में करेंगे, तो 17 का 20 में बहुत ही आसान तरीका है, 0 हम पहले लिख लें, जितने 0 है लिख लीजिए, और 17 का 17 × 34 हम 17 का जब 20 में गुणा करेंगे 340 आएगा। इसी प्रकार 3 × −8 × 5, तो 3 का भी चिन्ह प्लस है, 8 का चिन्ह प्लस माइनस माइनस, 3 × 8 = 24, और 24 में 5 से गुणा करेंगे 120 आएगा। इसी प्रकार प्रश्न 5 है, 9 × −3 × −6, तो माइनस माइनस गुणा प्लस होता है, प्लस लिखा नहीं जाता माना जाता है, जैसे कि हम बता चुके हैं। 9 का 3 में गुणा करेंगे, 9 × 3 = 27। अब 27 में 6 का गुणा करेंगे तो 162 आएगा। इस तरीके से प्रश्न 1 के और भी से सवालों को हल करेंगे, और कॉपी में 1 से जितने भी सवाल हैं सब जो है प्रश्न 1 के सारे सवालों को हल करेंगे।